हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्ज़ाम बी। स्टूडेंट्स, आज यू ऑल नो कि IBPS RRB का जो नोटिफिकेशन है वो ऑलरेडी आउट हो चुका है एंड आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनको 2 और 5 साल का एक्सपीरियंस ज़रूर होगा बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ में और यू आर लुकिंग फॉर ऑफिसर स्केल 2 एंड स्केल 3 पोजीशन। तो स्टूडेंट्स, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इसको अवेल करना चाहते हैं तो अभी भी ऑलमोस्ट 3 मंथ्स का हमारे पास टाइम है। हम इस एग्ज़ाम को डेफिनेटली टारगेट कर सकते हैं। अगर मैं डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन की बात करूँ तो हमारी डेट 24 सितंबर 2022 है। तो अगर आप ऑफिसर स्केल 2 एंड स्केल 3 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज मैं आपको 3 मंथ का स्टडी प्लान दूंगा, जहां आपको मैं हर एक सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक कौन से वीक में आपको प्रिपेयर करना है और कितने मॉक टेस्ट और कहां से आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एग्ज़ाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं आपको स्टडी प्लान के बारे में बताऊँगा। स्टूडेंट्स, अगर हम एग्ज़ाम स्ट्रक्चर की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सिंगल बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट एग्ज़ामिनेशन है, जिसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। अगर मैं एग्ज़ाम स्ट्रक्चर की बात करूँ तो यहाँ पर आपसे टोटल 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो 200 मार्क्स के होंगे और टोटल जो टाइम मिलेगा आपको ऑनलाइन टेस्ट अटैम्प्ट करने का वो 2 घंटे का टाइम मिलेगा। रीजनिंग वन ऑफ द सब्जेक्ट है जहाँ पर 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे। उसी तरीके से कंप्यूटर नॉलेज एक सब्जेक्ट है जहाँ पर 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे। फाइनेंशियल अवेयरनेस का बहुत बड़ा रोल है, यहाँ पर 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के हैं। इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज में से आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं और हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी भी चूज़ कर सकते हैं। ये 40 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे विच कैरीज 40 मार्क्स, राइट। उसके बाद हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो 40 क्वेश्चंस होंगे स्टूडेंट्स जो 50 मार्क्स के होंगे। आपको ये ध्यान रखना है ये कि ऑनलाइन सिंगल बेस एग्ज़ामिनेशन है। इसी एग्ज़ामिनेशन की परफॉर्मेंस के ऊपर आपका सिलेक्शन जो है वो इंटरव्यू के लिए किया जाएगा, ठीक है। नॉर्मली यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ और ओवरऑल कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा, पर आपके मार्क्स विल नॉट बी शेयर्ड। आपके जो स्कोर्स हैं ऑब्टेन इन ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन विल नॉट बी शेयर्ड विद द कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरव्यू, ठीक है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। और जितनी भी वैकेंसीज़ होती हैं उसका 3 टाइम्स वो इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट करते हैं। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ दी 12-week स्टडी प्लान फॉर यू, जिसका PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर नॉलेज के सारे टॉपिक वीक वाइज मेंशन कर रखे हैं कि आपको कौन सा टॉपिक कहाँ से करना है। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल होता है कि सर जनरल अवेयरनेस के लिए जो हम करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर रहे हैं वो कितने मंथ्स के करें। तो आपको ऑन अ सेफ साइड 6 मंथ अफेयर्स को प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और आप IExamBee की वेबसाइट से एक फ़ाइल है BeePedia जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर हमने मंथली करंट अफेयर्स को कंपाइल किया है। तो हमारी वेबसाइट पे जाइए, जनरल अवेयरनेस सेक्शन में से BeePedia को डाउनलोड कीजिए और इसके फ़ायदे आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। अगर मैं यहां पर बात करूं कि आपको हर एक सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप 50% ऑफ योर अवेलेबल टाइम अपना क्वांट एंड रीजनिंग को दे सकते हैं, राइट। बाकी 30% बचा हुआ टाइम आप जनरल अवेयरनेस को दें और 20% ऑफ योर टाइम में आप इंग्लिश और कंप्यूटर की तैयारी कीजिए। स्टूडेंट्स, आपको पता है क्वांट एंड रीजनिंग का लेवल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। जनरल अवेयरनेस में आपको क्रामिंग की ज़रूरत पड़ेगी, जहां पर आपको मेजर फोकस करंट अफेयर्स पे रखना है और 20% ऑफ टाइम में आप इंग्लिश और कंप्यूटर को दे सकते हैं, क्योंकि यहां पर थोड़ी सी आपकी मेहनत कम लगती है कंपेरेटिवली टू अदर सब्जेक्ट्स। तो जनरल अवेयरनेस को हमें बहुत इंपॉर्टेंस देनी है, साथ साथ 50% वेटेज हमें क्वांट एंड रीजनिंग को देना है। सिंगल बेस एग्ज़ाम है। इस प्लान को आप देख सकते हैं कि वीक 4, वीक 5, वीक 6, वीक 7 में भी मैंने सारे टॉपिक मेंशन कर रखे हैं। आपको यही सब टॉपिक्स पढ़ने हैं इफ़ यू वांट टू क्लियर IBPS RRB। स्टूडेंट्स, इसका 12 to 13 वीक का जो स्टडी प्लान है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF फॉर्म में मिल जाएगा, तो उसको डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर स्केल 2 एंड स्केल 3, तो हमारा ऑनलाइन कोर्स भी है जिस पे अभी फ्लैट 40% ऑफ चल रहा है, एंड इट जस्ट यू हैव टू यूज़ द कोड B40 इन ऑर्डर टू अवेल दिस पर्टिकुलर ऑफर। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्टूडेंट लाइव सेशंस। यहाँ पर आपकी डेली लाइव क्लासेस हम कंडक्ट करते हैं। QRA की बात करें या फिर जनरल अवेयरनेस की बात करें, साथ ही साथ हम कंप्यूटर एंड अदर सब्जेक्ट्स की भी आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। हमारा सारा कोर्स वीडियो फॉर्मेट में है, स्टडी नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे और इंटरव्यू की गाइडेंस भी यहाँ प्रोवाइड की जाती है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेमो कोर्स लिंक है, डू चेक आउट दिस पर्टिकुलर लिंक एज वेल। स्टूडेंट्स, अगर हम रीजनिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस की बात करें तो हमें तैयारी करते समय बहुत स्मार्ट रहना चाहिए। ये प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस है कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस पूछे गए। आपको पता है 40 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट और पजल का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो किस तरीके के सिटिंग अरेंजमेंट और पजल आए थे वो भी मैंने लिख दिया है। 10 क्वेश्चंस आपके सिटिंग अरेंजमेंट से थे, जहाँ पर एक लीनियर से था और एक सर्कुलर से था। दूसरी तरीके से पजल की बात करें तो शेड्यूलिंग के कुछ और कंपैरिजन के पजल थे, जहाँ से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसी तरीके से कोडिंग डिकोडिंग सिंपल पूछी गई थी, कोडेड इनइक्वालिटी के क्वेश्चन थे, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ के क्वेश्चन थे, अल्फ़ाबेट एंड नंबर टेस्ट के क्वेश्चन थे और इनपुट आउटपुट रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो टोटल 40 क्वेश्चंस का बाइफरकेशन मैंने आपको दे दिया जो 2021 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। अगर आप कंप्लीट सिलेबस जानना चाहते हैं तो इस पर्टिकुलर सेक्शन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जहां पर मैंने रीजनिंग के टोटल सिलेबस को यहां पर कंपाइल कर दिया है। पर अगर आप इस तरीके से तैयारी करेंगे कि पहले इन टॉपिक्स को मास्टर करेंगे तो आप अच्छी तरीके से और स्मार्ट तरीके से तैयारी कर पाएंगे। उसी तरीके से अगर क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो उसका भी बाइफरकेशन मैंने आपको यहाँ पर दे रखा है कि डाटा इंटरप्रिटेशन का मेजर रोल होता है। आपको पता है कि 40 क्वेश्चन में से जो डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस हैं वो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। 3 सेट DI के पूछे गए थे जिसमें 5 क्वेश्चन थे 2021 में। उसी तरीके से सिंप्लीफिकेशन से 5, सीरीज से 5, अर्थमेटिक वर्ड प्रॉब्लम से 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब अर्थमेटिक वर्ड प्रॉब्लम में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, जैसे आपका प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, पार्टनरशिप, आपका सिंप्लीफिकेशन, टाइम डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क। तो यहाँ से 1 या 2 प्रॉब्लम हर एक टॉपिक से आपसे पूछ ली जाती है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स, आपको सारे टॉपिक रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप कट ऑफ क्लियर करना चाहते हैं या कंपटीशन में अपनी वैकेंसी को सिक्योर करना चाहते हैं तो आप सारे टॉपिक आज ही से पढ़ना शुरू कर दें। अगर हम फाइनेंशियल अवेयरनेस या जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 2021 में 40 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसका बाइफरकेशन मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ। तो बैंकिंग अवेयरनेस जो कि स्टैटिक, यानी जैसे टैग लाइन पूछ लिया, जो स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस नॉलेज होती है जो कभी नहीं बदलती, वहाँ से 18 से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। और करंट से, यानी करंट फाइनेंशियल अवेयरनेस जहाँ से स्कीम्स हो गए, प्रोजेक्ट्स हो गए, डील्स हो गए, अवार्ड्स हो गए, वहाँ से 20 क्वेश्चन या 22 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो 50% आपका स्टैटिक था पार्ट और 50% आपका करंट अफेयर्स था। तो करंट अफेयर्स की जब भी हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करेंगे तो 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स हमको पढ़ने हैं, और ये आप BeePedia फाइल से पढ़ सकते हैं जो ixamBee की वेबसाइट पर फ्रीली अवेलेबल है। हम मंथली और वीकली कंपाइलेशन डालते हैं। सो इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर योर करंट अफेयर्स, इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर योर बैंकिंग अवेयरनेस, तो BeePedia आपकी बहुत हेल्प करेगा। और अगर आप पूरा सिलेबस फाइनेंशियल अवेयरनेस का जानना चाहते हैं तो यहाँ मैंने पूरा सिलेबस लिस्ट डाउन कर दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसी तरीके से कंप्यूटर की बात करें स्टूडेंट्स, कंप्यूटर में 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो 20 मार्क्स के होंगे, और यहाँ पर जो मार्क्स सिक्योर करना है वो बहुत ही आसान होता है, क्योंकि बहुत ही आसान टॉपिक है। अगर पिछले साल की बात करें यानी 2021 के एग्ज़ाम की बात करें तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन से 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस यानी प्रोसेसिंग यूनिट से 11 से 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। मिसलेनियस से आपके 14 से 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये टोटल 40 क्वेश्चंस का बाइफर्केशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है। और अगर हम सिलेबस की बात करें तो आपका पूरा सिलेबस आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा अगर यहाँ पर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं। जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर फंडामेंटल्स, नेटवर्किंग, एमएस ऑफिस, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, नंबर सिस्टम एंड इंटरनेट। उसी तरीके से आपको सारी एब्रीवेशन, शॉर्टकट कीज़, डाटाबेस, सिक्योरिटी टूल्स, कंप्यूटर लैंग्वेज और इनपुट आउटपुट डिवाइस के कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपको याद करने पड़ेंगे, राइट। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आरआरबी ऑफिसर स्केल 2 और स्केल 3 में या तो आप हिंदी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं या इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है आप पे कि आप कौन सी लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो इंग्लिश के साथ साथ यहाँ पर हिंदी का भी सिलेबस मैंने आपको मेंशन किया है, जहाँ पर व्याकरण और पैराग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की फॉर्म में आपसे पूछ लिए जाते हैं, कुछ आपसे सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछ लिए जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रख रहे हैं कि अगर आप इंग्लिश में पेपर देना चाहते हैं तो अपना फॉर्म फिलिंग के टाइम पर इंग्लिश एज अ लैंग्वेज चूज़ कीजिएगा, और हिंदी में देना चाहते हैं तो फॉर्म फिलिंग के टाइम पे हिंदी एज अ लैंग्वेज। कंपटीशन को जानने के लिए कट ऑफ मार्क्स का डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए कि कंपटीशन असलियत में कितना है। तो हम यहाँ पर 2019 से लेकर 2021 तक कट ऑफ का डिस्कशन करेंगे और आपको पता चल जाएगा कि 2020 में आपको कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो 2019 में रिटर्न एग्ज़ामिनेशन की बात करें फॉर जनरल बैंकिंग ऑफिसर, तो रिटर्न में आपको 64.13 मार्क्स अचीव करने थे इन ऑर्डर टू क्लियर दी कट ऑफ। और अगर मैं रिटर्न प्लस इंटरव्यू की मार्क्स की बात करूँ तो 100 में से आपको 47.82 अचीव करने थे इन ऑर्डर टू गेट द सिलेक्शन फॉर IBPS RRB स्केल 2 ऑफिसर, राइट। उसी तरीके से 2020 में अगर हम रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर कट ऑफ बिल्कुल एग्जैक्टली 64 और 65 की रेंज में घूम रहा था, और यहाँ पर इंटरव्यू के मार्क्स अगर हम प्लस कर दें तो 100 में से आपके जो मार्क्स थे वो 47.35 थे। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिटर्न एग्ज़ामिनेशन और इंटरव्यू का वेटेज जो होता है वो 80:20 होता है। तो जब भी आपका मार्क्स कैलकुलेशन होगा फाइनल कट ऑफ में तो वो 100 में से होता है, यानी 80% आपका जो वेटेज दिया जाएगा वो रिटर्न एग्ज़ामिनेशन को दिया जाएगा और 20% वेटेज आपका इंटरव्यू को दिया जाएगा। तो अगर हम 2019 में जनरल बैंकिंग ऑफिसर की बात करें तो कट ऑफ गया था कहीं ना कहीं 47 के आसपास, और 2020 में भी कट ऑफ जो गया था वो 47 के आसपास गया था। उसी तरीके से अगर हम 2021 की बात करें तो मैं आपको यूआर कैटेगरी में बताना चाहूँगा कि 70 के पास कट ऑफ गया था। तो देखो यहाँ पर कंपटीशन कितना इंक्रीज़ हो गया है, टोटल 6 मार्क्स का कट ऑफ आपका इंक्रीज़ हो गया। तो आपको ये रखना है कि हर साल कंपटीशन इंक्रीज़ होता जा रहा है। उसी तरीके से अगर हम स्केल 3 की बात करें तो 2021 में जो कट ऑफ गया था वो 70.69 गया था। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ये एग्ज़ामिनेशन के बाद जो कट ऑफ जाता है वो वाले मार्क्स हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की बात करें तो प्रिपरेशन करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स ऑफिसर स्केल 2 और स्केल 3 की जॉब के लिए अप्लाई करेंगे वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं वर्किंग होंगे और उनके पास टाइम की तो कमी है ही। तो आज ही से हम प्रिपरेशन अगर शुरू करें तो सबसे पहले आप अपने सिलेबस को पहचानिए, राइट। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि वही आपको एक रियलिटी चेक देगा कि आपको किस डायरेक्शन में प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक की प्रैक्टिस कीजिए, राइट। और ixamBee की वेबसाइट पे आपको फ्री मॉक्स अवेलेबल हैं, जहां पर आप अपने पैटर्न को समझ सकते हैं और अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को भी बढ़ा सकते हैं। अगर आप स्टडी प्लान चाहते हैं, प्रॉपर गाइडेंस चाहते हैं, शॉर्ट वीडियो और क्रिस्प नोट्स चाहते हैं तो iexambee का ऑनलाइन डेमो कोर्स आप ज़रूर विज़िट कीजिए, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। वहाँ पर आपको शॉर्ट एंड क्रिस्प कंटेंट मिलेगा एंड यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर विद अस। राइट, तो ये कुछ चीज़ें हैं। आप iexambee.com पर जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं। हमने 2019 का, 2020 का, 2021 का प्रीवियस पेपर यहाँ पर डाल रखा है। 3 साल के पेपर हैं। पैटर्न को समझिए और पेपर अटेम्प्ट कीजिए। उसी तरीके से फ्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हैं हमारी वेबसाइट पर, आप उनका भी सहारा ले सकते हैं इन ऑर्डर टू चेक योर परफॉर्मेंस। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। स्टूडेंट्स, नोटिफिकेशन आने वाला है। इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर 50% फास्टर विद iexambee तो गूगल फॉर्म लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें जाके अपने आप को रजिस्टर कीजिए। 10 जून से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सो दिस इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी एंड यू शुड अवेल इट। स्टूडेंट्स, आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग iexambee।